हेलो। हाँ हेलो। भाई, की ज्ञान है? ज्ञान बढ़िया से। बस और की कर रहे कर रहे हैं टाइम पास। था? ओ, एक बात पूछनी थी मने। और ट्विन टाउन वाला की चक्कर चल है कि लफड़ा उसका? हाँ ट्विन टावर आलो काल अच्छा, तोड़ तो करे नोएडा में। इसको केस दो था ना ट्विन टावर। मानना तो इतनी जानकारी मन तो खबरा में एक काल चाल रहे दो तीन दिन तक यो चाल रहे खबरा में। और खबरा में खूब चलना जाएगा। ट्विन टावर के है ना जो अपना कुतुब मीनार है ना इस तक भी ऊंची बिल्डिंग थी। मतलब 32 34 मंजिल ऊंची बिल्डिंग थी। तो के थोकी दो सन 2000 के आसपास है ना यूपी में पूरे एक सुपर टेक कंपनी है। तो सुपर टेक कंपनी है मतलब फ्लैट बिल्डिंग बना बना बेचा है। तो नोएडा में लोगा ने मान ले उरे फ्लैट लिया था वो उरे 15 20 बिल्डिंग बननी थी। मतलब 8 मंजिल 8 7 मंजिल जो भी तो उनमें लोगा ने फ्लैट लिया था। तो चारों तरफ बिल्डिंग थी तो उसके बीच में सिस्टम के था ना मान ले न्यू करा रखी थी भाई बीच बीच में पार्क बना गो मतलब ग्रीन जोन बना गो पेड़ पौधा कुछ रहेगा उसमें। तो लोगा ने उन फ्लैट लिया था जिस अभी दाम हो किसी ने मान ले 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जितना का भी फ्लैट लिया था। तो उसमें तो उसने 5 4 साल बाद के काम करो जी तो ग्रीन जोन बनना तो उनमें भी उसने दो बिल्डिंग ठानी शुरू कर दी मालिक ने। तो मान ले कि कुछ कुछ लोग ये चीज की जानकारी थी उनने इतराज कर दियो। लोकल प्रशासन का ना भी जाके उनने कही है भाई ये बिल्डिंग बना रहा है गलत है क्योंकि शुरू में जो मकान बेचा था ये फ्लैट बेचा था उनमें तो पार्क का नाम लेके बेचा पार्क का नाम लेके बेचा था। मान ले भाई नीचे पार्क लगा रहेगा लोन रहेगा जो भी सुविधा दी जाए पार्किंग रहे कुछ रहेगा लेकिन था। उससे जगह में अगर वो बिल्डिंग बनाओ है तो फ्लैट लेने आ का तो नुकसान है लेकिन बिल्डर को फायदा हो उसमें। तो उसने मान ले कि 8 10 मंजिल करके दो दो बिल्डिंग और खड़ी कर दी बीच में। तो 2004 में लोगा ने 2009 में लोगा ने खुरपुर सुरपुर कर दी शुरू। तो लोकल प्रशासन ने उतनी सुनी को नहीं। 2009 तो चल रहे हो? ये मतलब 2009 तक ये है पहले तय चल रहे है लेकिन पहले दबाची थी 2009 में के काम करे इलाहाबाद में ले गया इसने हाई कोर्ट में इसने जिन फ्लैट खरीदा था वह मान ले कुछ आदमी जागरूक था मिलजुल के। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में सुना दियो केस कि भाई ये 2 मंजिल है ये गलत है जो बिल्डिंग है ये गलत है टूटनी चाहिए। तो जो सुपर टेक कंपनी जो है जो बिल्डिंग बना के बेचा है इसको जो मालिक है आर के अरोड़ा है कि ऐसा नाम है उस वो अपना ये अपील करने खातर सुप्रीम कोर्ट में ले गयो। मतलब किसी के भी 700 800 करोड़ रुपया लाग रहे हैं तो नहीं सोचा नहीं टूटा तो नहीं काम चल जाए। तो 2021 ने सुप्रीम कोर्ट ने भी वह बात कह दी कि बिल्डिंग टूटनी चाहिए। 2021 का ऑर्डर था कि भाई ये 2 3 महीना में टूट जानी चाहिए। तो वो तो फाइनल हो गई उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचे को नहीं। तो लेकिन बिल्डर के तो जो फ्लैट खरीदने आया है भाई 15 लाख 20 लाख 30 लाख में खरीद दिया इतना बड़ा बिल्डर इनकी बात ना हल्का में ले गए जब तो समझ में आई को नहीं है आखिर में। लेकिन जो जायज बात हुआ जायज है न्यायालय किस न्यायालय किस लिए बने हो जाए लेकिन न्यायालय में लोगों का न्यू विश्वास ना रहा है क्योंकि थोड़ा सो टेम लग जाए कई बार है लेकिन घनी बार इतनी रहा कि सांस ना आस को नहीं आखिर तो जीत गया। अगर पैसा कौड़ी को मतलब होता तो कोई जीत पाता लेकिन न्यायालय में न्याय मिला है बोल के वह जीत गया। उनमें जो बिल्डिंग बन रही थी दो मान ले कि कोई 32 मंजिल 34 मंजिल के आसपास मान ले कि 100 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग थी वह उसमें दो तीन गड़बड़ी थी मान ले और भी गड़बड़ी थी लेकिन दो तीन मोटी गड़बड़ी थी। एक तो जो शुरू में जो प्रोजेक्ट कह के बनाए थे वह दो बिल्डिंग उसमें शामिल ही नहीं थी उसमें यानी कि बगीचों लोन वगैरह कुछ होना चाहिए था। दूसरी बात है कि जो बिल्डिंगा की ऊंचाई थी उस हिसाब से बिल्डिंगा के बीच में भी कुछ गैप होना चाहिए उसमें के थो कम से कम मान ले 18 20 मीटर गैप होना चाहिए था बिल्डिंग के बीच में बिल्डिंग को उसमें गैप था 8 9 मीटर वो तो पूरा होकर नहीं वह भी पॉइंट की बात थी। तो न्यू करके मान ले सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश सुना दिया कि ये बिल्डिंग टूटेंगी और टूटने में भी लगभग ज्यादा नहीं तो मतलब 20 करोड़ को खर्चा होगा टूटन टूटन वही अच्छा रुपया कौन देगो मान ले शायद 5 करोड़ का करीब तो मालिक तो लिया जाएगा जो बिल्डर था 5 करोड़ का करीब रहा जो 15 करोड़ पंद्रह करोड़ बाकी का रुपये कौन देगा? बाकी रुपये जो बिल्डिंग टूटेगी वो माल मटेरियल है लो है सीमेंट पत्थर है इन्हें बेच के पूरा करा जाएगा। अच्छा
लेकिन यू ज्यादातर लोगन तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दी जिन्हें फ्लैट खरीदया था उनका रुपया लौटा दो। तो मतलब सुनना में आएगी ज्यादातर लोगों ने रुपया मिल गया, लेकिन अगर किसी ने नहीं नहीं रिटर्न मिला तो होता है मालिक देगो, सुपर टेक कंपनी को मालिक देगो। अच्छा तो सुनना में आएगी ज्यादातर कुछ लोगों ने मिल गया, अगर नहीं मिला तो न मिल जाए, अगर नहीं भी मिला तो दे देना चाहिए मालिक ने। तो ये बात है, लेकिन ये भी लफड़ो के चल रहे है, एक तोड़न में इतना खर्चो। पर ये भी जो बात मुद्दों गरम चल रहे है, जो दो मेन पॉइंट है, ये घनी दुनिया ने न्यू ज्ञान पेलन लग रही है कि ये बिल्डिंग्स हैं तोड़नी नहीं थी। मान ले कि सरकार गरीबान घर बना बना दे, बोले किसी गरीब ने दे दे तो कहीं शहीद हो जाए, उनका परिवार ने दे दे तो कोई नहीं, कहीं इसमें स्कूल बना दे तो कोई नहीं, कहीं में हॉस्पिटल बना दे तो ठीक है भाई, स्कूल बना देता चाहे हॉस्पिटल बना देता, लेकिन अगर वह जायज रहता, रहने लायक रहता, उनमें रिस्क ना रहता, तो वैध होता, एलिगल नहीं होता, तो फिर वह पहले रह जाता, पहले रह तो जाता है ठीक है। आके। हाँ ये भी तो आदमी रहेगा, जब उसमें रिस्क है तो फिर तोड़नी पड़ी, मजबूरी है। और अगर नहीं तोड़ता तो फिर दुनिया नहीं कह देती भाई बिजनेसमैन की सरकार है, मिली भगत है, वो तो पैसा फिर उस है, बात फिर हो जाती है। उस बात हो जाती, यानी कि इसी तरह ना जीने दे। लेकिन कुल मिला के न्यू है, इंडिया की सब तो ऊंची बिल्डिंग थी, और जो पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग तोड़ी गई इंडिया में, और दुनिया की शायद तीसरी ऊंची बिल्डिंग थी, तीसरा नंबर पर। ठीक है, लोगों की अपने अपनी राय, अपने अपनी सलाह। फिर मना जो अपने इसको सुपर टेक कंपनी का ये मालिक है, इस दौरे एक दिन वो इस दौरे भी फोन करे तो वो के ढंग है, केसो तो चाल रहे, के बात हो ये भाई, वो कहते इतनी टेंशन है कोनी, वो नहीं लो बड़ा बड़ा शहर है, छोटी छोटी बात चलती रहे। अच्छा हाँ न्यूले चल ठीक है, जितना नुकसान है उतनी अपनी कंपनी की ऐड भी होगी, बात भी सही है। हरियाणा हाँ वाह करेटा वाली कहानी नहीं चली थी दहेज वाला मामला में, जिस हाँ तरह करेटा की ऐड होगी थी, न्यू सुपर टेक कंपनी की ऐड होगी एक किस्म तगड़ी। कंपनी प्रचार ही है इसका। प्रचार तो है, पर बाकी नु का घर फुक्की प्रचार है। और पर जो भी है, ये तो मेन बात ये है ना, स्कीम सरकार कर दे तो मुश्किल, ना कर दे तो मुश्किल।